सब्सक्राइब कीजिए मामा नोहम को, बेल आइकन को दबाइए यूनिक रेसिपी, प्रोडक्ट रिव्यू और व्लॉग को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मामा नोहम पे। मैं पिंकी फिर लेके आई हूँ एक नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के लिए। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयल डिस्पेंसर है और ये मैंने पेटीएम मॉल से मंगाया है, तो ये मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ये बॉक्स में दो चीजें और हैं, एक ब्रोशर है उनका, एक ये इनका कूपन आया है। इनकी हम साइट से शॉपिंग करेंगे 3000 की, तो ये 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा हमें। बाकी ब्रोशर में इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं वंडर शेफ के, ये इन्होंने दिखा रखे हैं इसमें, तो इसको रखते हैं हम साइड में। अब बात करते हैं हम ऑयल डिस्पेंसर की। ये जो है ग्लास का है, कांच का है, थोड़ा हैवी है हल्का सा। बाकी जो इसका साइज है, इसका जो साइज है 1 लीटर है ये। की कैप की बात करें तो कैप का डिजाइन भी अच्छा है काफी, प्लास्टिक की क्वालिटी भी मजबूत है। बाकी इसमें और हाँ, ये स्पिल प्रूफ है, यहाँ अंदर आपको दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट रबर की कोटिंग इसमें लगी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये साइड में यहाँ पे रबर की कोटिंग लगी हुई है एक, तो ऑयल यहाँ से लीक नहीं होगा जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। जब बाकी जो एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे निकलता है वो यहाँ से बह के अंदर चला जाएगा। एक बार हम इसमें पानी डाल के इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका ये स्पिल प्रूफ है या नहीं और इसकी पोरिंग कैसी है। कप लेंगे, देखिए यहाँ साइड से कुछ नहीं आया, बाकी इसको यूज करने के बाद पता चलेगा। बाकी बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है बॉक्स पे MRP जो है इसका 449 है, पर ये पेटीएम मॉल पे इसका प्राइस कम है 349 और 17 रुपीज डिलीवरी चार्ज। तो उस पर कूपन लगा है वंस मंथ का, 150 रुपीज मुझे कैशबैक मिला है और ये मुझे 217 रुपये का पड़ा है। तो आप भी मेरे लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बाकी एक बात और कहना चाहूंगी, अगर ये इसका ये नीचे का पार्ट जो ग्लास का है ये प्लास्टिक का होता, BPA फ्री प्लास्टिक, तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कांच है। हम इसे इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए, इसे हम गैस के पास नहीं रख सकते वरना ये गर्म होके ये चटक जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्लास्टिक होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ये इसका माइनस पॉइंट है, तो इसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। जैसे बड़े किचन होते हैं तो दूर रख सकते हैं, जिनका छोटा किचन है वो ना मंगाएं, क्योंकि किचन में फिर हम पास में रखेंगे गैस के तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।